अब देखते हैं जहां पर अभी कथा चल रही थी। इधर जब मैया कौशल्या ने सीता जी को रोते हुए देखा तो मैया ने समझाया है, बेटी अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम साथ में चली जाओ, आज्ञा दी है। आज सीता जी जाकर के प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, कहने लगी हैं कि हम आपके बिना इन महलों में नहीं रह पाएंगे, आपके बिना ये महल सोने सोने लगेंगे, कैसे रहेंगे हम। घर नहीं रह पाऊंगी, घर नहीं रह पाऊंगी, वन को संग चलूंगी स्वामी। घर नहीं, घर नहीं रह पाऊंगी, पर को संग चलूंगी स्वामी। घर उसी समय प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं कि हम 14 वर्षों को बिताने के बाद लौट करके महलों में आ जाएंगे, आप यहाँ रह करके महलों में माता पिता की आज्ञा का पालन करना, आप इनकी सेवा करना। लेकिन सीता जी रोने लगी हैं, मैया कौशल्या ने आज्ञा दे दी है, जाओ बेटा राम और अपनी पत्नी सीता को भी साथ में लिए जाओ, लेकिन बेटा बस तुम हमें भूल मत जाना।
और देख तेरी तस्वीर राम तोई पलकन बीच बिहारी और लाला और चौदह वर्ष के बाद लला चुप आई की मुख इधर लक्ष्मण ने जब सुना तो लक्ष्मण भी आए हैं और जवाब दिया भैया तुम तो जानते हो कि हम तुम्हारे बिना एक पल भी इन महलों में रह नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारे बिना ये महल हमें सूने सूने लगते हैं। राम और लक्ष्मण जैसा प्रेम हमने किसी भाइयों में देखा ही नहीं है। आज के समय में भाई भाइयों में इतना विवाद है कि भाई भाई को देख नहीं सकता। जब घर में बंटवारा होता है जरा सी बात पर गोली चल जाती है महाराज। ये पेट बड़ा दगाबाज है, ये माया किसी की सगी नहीं है। भगवान ने हमें और आपको कितना सुंदर बनाया है लेकिन बनाने में एक गलती की है कि एक पीठ बनाई है एक पेट बनाया है। अगर भगवान ने पेट की जगह पर एक पीठ और बना दी होती तो कोई माया के लिए नहीं मरता। इस पेट के लिए लोग बेईमान बन जाते हैं, भाई भाई के साथ दगा करता है, कोई किसी का नहीं है। महाराज ये संसार जो है बड़ा ही मतलबी है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आंख उठा करके देखो और किसी के सामने सच्चाई बोल करके देखो महाराज, उस इंसान का असली रूप नजर आ जाएगा कि ये कैसा है, इसके विचार कैसे हैं।